पर्यावरण दिवस के मौके पर पीथमपुर स्थित नवास होटल में राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की कामकाजी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान परिसर में पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया, जिसमें संगठन की आगामी कार्य विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने और समाजजनों को जागरूक करने के लिए पदाधिकारियों द्वारा रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौहान ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित शाह को पत्र लिखकर आदिवासी समाज के राष्ट्रीय प्रति उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि समाज का गौरव और सम्मान बढ़े। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। और हमारा समाज आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछड़ा हुआ है। हम सब मिलकर समाज के लिए और जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए सब एक होके उनके लिए कैसे विकास की योजनाएं ये सब आप भी बताएंगे। और अपने आदिवासी समाज में जागरूकता की आज भी बहुत आवश्यकता है। हमारे समाज में नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पाता, इनको जागरूक नहीं है, तो ये जागरूकता भी हमको लाना पड़ेगी। हम पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाएंगे, जागरूकता अभियान, तो देश भर में जागरूकता अभियान चलाएंगे कि हमारे जो पैसा हमारे लिए आता है, हमारे लिए आता है, वो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ही खर्च किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो यही करने के लिए पूरे देश भर में हम जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, जितना भी पैसा राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार मद में ही खर्च किया जाए, अन्य मदों में नहीं किया जाए। ये आवाज़ उठाना पड़ेगी, अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं उन इस मंच के माध्यम से उन जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहता हूँ कि 47 लोकसभा सांसद भोज कर सकते हैं, लेकिन वो आदिवासी वर्ग से जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या है, सामान्य वर्ग के पिछलग्गू बन जाते हैं। मैं तो सही सही बोलता हूँ, बनते कि नहीं बनते बताओ। आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी समाज का वो सांसद बन जाता है, उसके बाद वो भूल जाता है, क्योंकि वोट तो आदिवासियों से ले लेता है, लेकिन वो हमको हमारे विकास की योजनाएं आती है वो हम करते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि हमारे विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, वो अंतिम व्यक्ति के आदिवासी तक पहुँचना चाहिए। ये हमारा बीजेपी का भी, बीजेपी के रूप में कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, लेकिन पहुँचती नहीं है। ये हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों की बड़ी गलती है, जिनों की जिता कर तो अभी भेजते हैं और वो जनप्रतिनिधि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।